ज्योति सुनहरे मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जान से मारने की धमकी और उनकी वैन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उसके संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्योति सुनहरे व उनके परिवार को जान से मारने की नीयत से उनकी निजी कार में उनके शासकीय आवास पर अज्ञात आरोपियों के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी व लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। पूर्व में शासकीय कार्य करते समय भी रास्ते में रोकथाम प्राणघातक हमला करने का भी प्रयास किया गया था। उसी संबंध में सीहोर जिले की जावर तहसील के भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के द्वारा तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्योति सुनहरे के साथ अज्ञात आरोपी ने जो हरकत की उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बुधनी से जावर हिंदूलाल की रिपोर्ट। मैं संजय सोलंकी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ जिला अध्यक्ष सीहोर। सर, ज्ञापन बहन ज्योति सुनहरे मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुधनी के उनके साथ अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल डालकर वैन में आग लगा दी थी और उन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस अज्ञात अपराधियों के द्वारा विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए, इसलिए इनके विरुद्ध सभी भीम आर्मी संगठन एवं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय संगठन एवं समस्त सामाजिक संगठन के लोगों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया गया।